Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's video, I am going to discuss very important topic in front of you. Today's topic is atmosphere. Okay? Today's topic is atmosphere. One by one, we will discuss about the atmosphere, the definition of atmosphere, layers of atmosphere. Without wasting our much time, we started our session. First point is, what is atmosphere? What is atmosphere? So, an atmosphere is the layers of a gases surrounding a planet or celestial body. Atmosphere kya hota hai? Ek layer hoti hai gases ki jo surround karti hai. Kiske around surround karti hai? Planet ki aur other small bodies. These gases are found in layer. Ye jo gases mil rahi hai, ye kahan pe milti hai? Layers mein paayi jaati hai. Layers ke naam hai troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere, defined by unique features such as temperature and pressure. Okay, so हमें atmosphere की definition समझ आ गई. ये एक layer होती है gases की जो atmosphere के planet और celestial bodies के side में पाई जाती है. किस में found पाई जाती है? Found in layers. चार layers हमने पढ़ी अभी, thermosphere, stratosphere, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, जो यूनिक फीचर्स होते हैं सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, जो नंबर वन लेयर पे पाई जाती है वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर. सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे जो पाई जाएगी वो है ट्रोपोस्फेयर. ग्राउंड लेवल पे ट्रोपोस्फेयर. इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. आज हम जिस लेयर पर रहते हैं उस लेयर का नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर. इट इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन. यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? क्लाउड का. इन दिस रीजन टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड अंटिल एट ट्रोपोपोज. ट्रोपोपोज क्या होता है? एक लिमिट होती है 0 to 12 किलोमीटर तक. ठीक है, इस रीजन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है किसके साथ? विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मतलब हाइट के साथ. जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा वैसे वैसे हाइट बढ़ती जाएगी. मतलब हाइट इंक्रीज के साथ, हाइट अगर इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. ठीक है, द एयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 78% नाइट्रोजन, 28% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेज. क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सबसे ज्यादा गैस हमारे एटमोसफेयर में कौन सी पाई जाती है? तो 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन. एंड सेकेंड नंबर पे पूछा जाता है तो 21% पाई जाती है ऑक्सीजन. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज, सेकेंड नंबर पे कौन सी आती है? सेकेंड नंबर पे आती है स्ट्रेटोस्फेयर. कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? द लेयर अबव ट्रोपोस्फेयर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर से ऊपर कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर, विच इज अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर होती है. ठीक है, 50 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ से 15 किलोमीटर ऊपर होती है. दिस लेयर इज कैरेक्टरिस्टिक बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हाइट कम होती जाएगी इसमें. नियर द टॉप ऑफ दिस लेयर इन दिस रीजन वेयर द अल्ट्रावायलेट रे सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ओजोन. तो स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी लेयर पाई जाती है? ओजोन लेयर. ठीक है, दिस रीजन इज नोन एज ओजोनोस्फेयर. इसीलिए इसका नाम कौन सा है? ओजोनोस्फेयर. ओजोन इज फॉर्म ऑक्सीजन थ्रू अ फोटोकेमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स स्प्लिट टू फॉर्म एटॉमिक ऑक्सीजन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ओजोन का फॉर्मेशन होगा. ओजोन को ये क्या करेगा? अल्ट्रावायलेट रेस को अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम सन सोलर रेडिएशन से और एब्जॉर्ब करेगा ओजोन को. ठीक है, और इसीलिए इस रीजन को क्या कहा जाता है? ओजोनोस्फेयर. क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ओजोनोस्फेयर. ओजोनोस्फेयर इसलिए इसको कहा जाता है. ठीक है, अब हम थर्ड लेयर पे पहुंचते हैं. थर्ड लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, देन मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर क्या है? दिस लेयर इज अबव स्ट्रेटोस्फेयर इन विच देयर इज कोल्ड टेम्परेचर एंड लो एटमोस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पे क्या होता है? इस लेयर पे स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर होती है, यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है. ठीक है, टेम्परेचर ठंडा पाया जाता है एंड लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कम होता है. द टेम्परेचर ड्रॉप्स रीचिंग अ मिनिमम माइनस 95 डिग्री होता है
एंड हाइट कितनी है? 80 से 90 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस। तो ये मीजो स्फीयर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्टार्टिंग हमारी कोल्ड टेम्परेचर होता है, एटमोसफेयर प्रेशर बहुत लो होता है, और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है? -95 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और हाइट 80 से 90 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, फोर्थ पे पहुँचते हैं। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड स्टेटोस्फेयर, थर्ड मीजोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का दूसरा नाम होता है आयनोस्फेयर। क्या होता है? आयनोस्फेयर। द लेवल अबव मीजोस्फेयर इज थर्मोस्फेयर। पहली लाइन हमेशा यही है, जिस लेयर के ऊपर वो पाई जाती है उसका हम डेफिनेशन ना के लिख देते हैं। विच एक्सटेंड 500 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस से 500 किलोमीटर के ऊपर। इट इज कैरेक्टरिस्टिक बाई इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर फ्रॉम मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बाद जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। द अपर जोन ऑफ द टेम्परेचर वेयर द मॉलिक्यूल्स आर इन आयोनाइज फॉर्म। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ पे आयन्स का फॉर्मेशन होता है। किसका? आयन्स का। तो थर्मोस्फेयर में मेन यही था कि इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? आयन्स का फॉर्मेशन होता है। किसके बाद आता है? मीजोस्फेयर के बाद आता है। ठीक है, मीजोस्फेयर के बाद आता है। एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर। फिफ्थ लेयर कौन सी है? एक्सोस्फेयर। एटमोस्फेयर अबव द आयनोस्फेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर। एक्सो मतलब लास्ट। इट एक्सटेंड्स अप टू 2190 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। इट हैज वेरी हाई टेम्परेचर ड्यू टू द रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से इसमें हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। 3290 किलोमीटर है। ठीक है, 3290 किलोमीटर। आउटर लेयर इसे कहा जाता है एक्सोस्फेयर। अगर क्वेश्चन आए सबसे लोएस्ट ट्रोपोस्फेयर, सबसे एग्जिस्ट या फिर सबसे आउटर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब मैं आपको इसको डायग्राम से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अदरवाइज ऐसे एक्सप्लेन तो हो चुका है बट एक बार डायग्राम से कर देती हूँ। ठीक है, डायग्राम आपके सामने आ चुका है तो मैं आपको डायग्राम से एक बार बता देती हूँ। जो मैंने अभी आपको डिक्टेट किया है अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दूंगी। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट अभी मैंने आपको बताई, हमारी अर्थ है, दिख रही है। ये क्या है? अर्थ है। अर्थ है। फर्स्ट लेयर अभी बताई कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ के बिल्कुल जहाँ पे ह्यूमंस एग्जिट करते हैं, यहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, यहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं। सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे क्या होता है? ओजोन का फॉर्मेशन होता है। मीजोस्फेयर पे क्या बताया था? मिडल होती है, जहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। उसके बाद थर्मोस्फेयर, जहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? आयन्स का फॉर्मेशन होता है। एक्सोस्फेयर कौन सी होती है? आउटर होती है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह का होता है। किसका? सैटेलाइट्स का, मतलब सैटेलाइट्स वगैरह का। हम छोड़ते सैटेलाइट वगैरह अर्थ सरफेस से छोड़ जाती है, कहाँ पे जाके रुकती है? एटमॉस्फेयर में। सो मैंने आपको ये डायग्राम से बता दिया। अब मैं आपको ना कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। टॉप 5 पॉइंट्स बताऊंगी जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट इज इनर लेयर। इनर लेयर किसे कहा जाता है? सेकेंड इज आउटर लेयर। थर्ड इज मिडल लेयर। मिडल लेयर पहले इन तीनों के आंसर। फर्स्ट इज इनर लेयर। इनर लेयर अभी बताया जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। आउटर लेयर अभी बताया था, जो आउटर होती है एक्सोस्फेयर। और मिडल मतलब नाम से पता चलना है, दैट इज मीजोस्फेयर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लेयर वेयर ओजोन लेयर, ओजोन पाउंड, ऐसी लेयर जहाँ पे ओजोन मिलती है, तो कौन सी होती है? अभी बताया था दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कौन सी लेयर है? लेयर वेयर आयंस आयंस आर फाउंड। आयंस कहाँ पे मिलते हैं? तो आयंस कहाँ पे मिल रहे हैं? नाम से पता चला आयंस आयनोस्फीयर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक इट
सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर.